गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने आपका जो सेकेंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें सेडिमेंटरी रॉक्स ये जो है उससे पहले का जो टॉपिक है वो सारा कंप्लीट कर लिया था। पर अब हम इस चैप्टर को पढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सितंबर में होने वाले आपके टेस्ट में आपका दो चैप्टर है कोर्स में खुला। जो फर्स्ट चैप्टर हमने सिविक्स का करा वो, और उसके बाद जो हमने और इस चैप्टर के पहले जो चैप्टर करा हमने हिस्ट्री का, वो ये दोनों चैप्टर आपके कोर्स में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स से। Sediments are the fine particles of rock broken by wind, water, glacier and are carried to bottom of ocean. यानी sediments ये जो होते हैं ये बड़ी rock के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि wind, पानी और जो glacier के दबाव उनसे टूट जाता है। Sedimentary rocks are of many types based on their origin and composition. यानी sedimentary rocks जो है कई प्रकार की होती है, उनके origin और मतलब उनके बनने के तरीके और उनमें क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड चौक आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। यानी कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और जो चौक है एक कुछ एग्जांपल है उस सेडिमेंटरी रॉक्स के। सेडिमेंटरी रॉक्स आर फाउंड मैकेनिकली, केमिकली एंड ऑर्गेनिकली। जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती है या तो मैकेनिकली बनाई जा सकती, केमिकली भी या ऑर्गेनिकली भी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेटामॉर्फिक प्रोसेस। द टर्म मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज इन फॉर्म। तो जो मेटामॉर्फिक है इसका मतलब होता है जो किसी भी चीज़ का जो है चेंज कर देना, तरीका बदल देना। द रॉक्स आर पार्शली मेल्टेड एंड द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट विद इन देम आर रीअरेंज्ड सो दैट द फाइनल रॉक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक। यानी कि ये जो रॉक भी कुछ कुछ प्रेशर पड़ने से मेल्ट हो जाती है और उनके अंदर के जो केमिकल है वो अपने आप में रिएक्शन करके ये रॉक जो है अपने पुराना फॉर्म नहीं था उससे चेंज हो जाती है, ठीक है। इन अपीयरेंस यानी कि दिखने में चीज हो जाए, टेक्सचर यानी कि जो किस तरह के स्मूथ है रफ किस प्रकार में, और कंपोजिशन के इसमें किस किस प्रकार के जो है चीज़ें शामिल है उनमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। जो जो कि केमिकल चेंज है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड हीट चेंजेस द फॉर्म ऑफ इग्नीशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स विदाउट मेल्टिंग डीप इन साइड द अर्थ। यानी कि जब अर्थ के बाहर आ जाती है मेटामॉर्फिक और इग्नीशियस रॉक, तो जो इन पर प्रेशर और हीट यानी कि गर्मी पड़ती है इस वजह से अपना फॉर्म बदल लेती है, ठीक है, अपनी जो है ये चेंज कर लेती है अपनी अपीयरेंस भी। दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म, और इस चेंज को हम मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रॉक साइज। तो ये बहुत ही मतलब आपने इतना सब पढ़ा है अभी, ये जो मैं बता रहा हूँ इतना सब आपने पढ़ा है अभी मेटामॉर्फिक इग्नीशियस सेडिमेंटरी रॉक, ये आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, इसमें सब एक तरह से समराइज किया गया है, ठीक है। रॉक्स गो थ्रू अ साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रॉक्स जो है अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलने की एक साइकिल से चलती है। मैग्मा राइजिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस सॉलिड्स टू फॉर्म इग्नीशियस रॉक, यानी कि जो अर्थ के अंदर का मैग्मा होता है वो बाहर आके जब ठोस बन जाता है तो इग्नीशियस रॉक बना जाता है। दीज रॉक्स आर ब्रोकन टू फॉर्म सेडिमेंट्स विच प्रोड्यूस सेडिमेंटरी रॉक्स, और ये जो रॉक्स है जब टूटती हैं थोड़ी और छोटी साइज में होती है तो ये सेडिमेंट्स बनाती हैं और इसे हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। इग्नीशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, और जो इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक रहती हैं इनमें जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये अपना फॉर्म चेंज करके क्या बन जाती है इग्नीशियस सेडिमेंटरी रॉक बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे। हार्ड एंड लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि जो रॉक है उसके बड़े और मजबूत टुकड़े जो है कंस्ट्रक्शन यानी कि चीजें बनाने के काम आते हैं। पोटैश एंड फॉस्फेट दैट आर यूज्ड एज द सोर्स ऑफ केमिकल फाउंड इन सेडिमेंट रॉक्स, यानी सेडिमेंटरी रॉक्स में दो केमिकल्स टाइप सब्सटेंट मिलते हैं पोटैश और फॉस्फेट जो कि केमिकल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है मिनरल्स दैट कंज्यूम एवरीडे इन लाइफ आर सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट आपने सुना होगा शायद काला नमक, वो भी एक तरह की रॉक है, ठीक है। तो ये कुछ सब डेली यूज की चीजें हैं जो कि रॉक्स में आती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं एक और बार आपको याद दिला दूँ कि आपके जो सितंबर में टेस्ट होने वाले हैं उसमें आपके कोर्स से दो चैप्टर, सिविक्स का लास्ट चैप्टर और एक हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ठीक है। और इस वीडियो के लिए आपका होमवर्क है, जितना भी मैंने ब्लू से मार्क करा आप इसे मार्क कीजिए, और बच्चों होमवर्क भेजना मत भूलिएगा, ठीक है, होमवर्क के क्योंकि मार्क्स जुड़ रहे हैं इस बार। थैंक यू।